गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास होगी वो राजकोषीय या फिस्कल पॉलिसी पर होगी, जिसमें हम इसका राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सार्वजनिक वित्त के अध्ययन में राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्व माना गया है। आप लोग सामान्य विद्यार्थी के तौर पर फरवरी मार्च के महीने में असर का द्वारा जो बजट पारित किया जाता है उसको आप न्यूज़पेपरों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, उनका संबंध राजकोषीय नीति से ही होता है। विद्यार्थियों, इस जो राजकोषीय नीति या जो सरकार की बजट संबंधी नीति है उसमें तीन तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक है सरकारी आय, दूसरा सरकारी खर्च, तीसरा सरकारी उधार। सरकारी आय सरकार कर राजस्व से इकट्ठा करती है, गैर कर राजस्व होता है, पूंजीगत आय होती है सरकार की। सरकार को विभिन्न अपने खर्चे होते हैं उस पर खर्च करती है, और सरकार की आय मान लीजिए उसके खर्चों से कम रह जाती है तो सरकार सार्वजनिक उधार लेकर उस खर्च की, उस गैप की भरपाई करती है। तो राजकोषीय नीति में इन सभी का विवेचन किया जाता है। सरकार के बजट पर नज़र डालने पर पता चलता है कि इसमें राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अंग होते हैं, इसके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिसमें राजस्व प्राप्तियां एक होती है। राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती है, कर राजस्व होती है, केर कर राजस्व प्राप्तियां होती है। राजस्व खर्च भी दो प्रकार से होता है, राजस्व खर्च, गैर राजस्व खर्च, राजस्व घाटा है या अतिरेक है। पूंजीगत प्राप्तियां अलग चीज हो जाती है, पूंजीगत घाटा या अतिरेक है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, समग्र घाटा व सरकारी खर्च के कई ऐसे भेद हैं, कई ऐसी शब्दावलियां हैं जिनको आप डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो शब्द हैं, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा या कर प्राप्तियां, केर कर प्राप्तियां, इनका संबंध राजकोषीय नीति से होता है। इससे पता चलता है कि राजकोषीय नीति में मूलतः करों, सरकार करों से क्या करती है, जनता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाकर कर इकट्ठा करती है। उस खर्च, कर इकट्ठा किए गई राशि से सरकार अपना खर्चा चलाती है, जिसे सार्वजनिक खर्च कहते हैं, ये भी बहुत प्रकार का होता है। सार्वजनिक उधार, अगर खर्च करों से ज़्यादा है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। इन तीनों चीज़ों का प्रबंधन ही राजकोषीय नीति कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं विद्यार्थियों, वो हम देखेंगे। राजकोषीय नीति का अर्थ सेमल चैन व नोडाव अर्थशास्त्री, इन्होंने बताया कि अधिक सुनिश्चित रूप से राजकोषीय नीति से यह आशय होता है कि कर व सार्वजनिक खर्च इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद दे सके, बढ़ती हुई उच्च रोजगार वाली अर्थव्यवस्था को कायम रख सके और ऊंची और अस्थिर मुद्रास्फीति से मुक्त हो, यानी मुद्रास्फीति भी ना हो, रोजगार अच्छा चल रहा हो अर्थव्यवस्था में, और इस प्रकार से जो पिछले क्लास में पढ़ा कि व्यापार चक्रों की उतार चढ़ाव वाली स्थिति वो कम से कम हो। इस परिभाषा में राजकोषीय नीति में कर व सरकारी खर्च को शामिल किया गया है, साथ में इसके द्वारा उच्च रोजगार प्राप्त करने, व्यापार चक्र को प्रभाव को कम करने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में मंदी से बाहर निकालने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। सार्वजनिक वित्त के जाने माने विशेषज्ञ जी के शाह है, उन्होंने भी बताया कि राजकोषीय नीति की कोई भी ऐसा निर्णय जो सरकारी खर्च के स्तर, बनावट या समय को बदल दे अथवा कर भुगतान के भार, ढांचे या लगाने की क्रम संख्या या फ्रीक्वेंसी को बदल दे तो वह राजकोषीय नीति की परिभाषा के अंतर शामिल होगा। इस परिभाषा में भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख विषय विद्यार्थी इस पर ध्यान रखना है, सरकारी खर्च और कर भुगतान। तीसरा एक और है जो इसमें नहीं शामिल किया गया है, वो कौन सा है, वो है सार्वजनिक उधार। विद्यार्थियों, तो इन चीज़ों का जो प्रबंधन है, सरकार विशेष एक अपना विभाग रखती है और उन चीज़ों को प्रबंधन देखती है ताकि उसके जो सुनिश्चित उद्देश्य है राजकोषीय नीति के, उसकी वो पूर्ति कर सके। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि राजकोषीय नीति की कैसे क्या जरूरत पड़ती है, वो किन चीज़ों को लेकर राजकोषीय नीति को ढांचा तैयार किया जाता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत कराधान या टैक्सेशन, सरकारी खर्च या एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक उधार आते हैं। इनका उपयोग करके सरकार कई उद्देश्यों की प्राप्ति, इन अस्त्रों का उपयोग कर सकती है।
सबसे पहला इसमें जो दिया गया है, राजकोषीय नीति का प्रयोग आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देश में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक वृद्धि हो, लोगों के पास आय बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। दूसरा, आर्थिक समानता, जो लोग हैं अर्थव्यवस्था में ऐसा ना है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसों का संकेंद्रण हो जाए, संसाधनों का संकेंद्रण हो जाए, जबकि कुछ लोग अभाव से ग्रस्त हो, ऐसी स्थिति को भी राजकोषीय नीति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। रोजगार बढ़ाने का काम भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरीकरण की स्थिति भी राजकोषीय नीति का उद्देश्य माना जाता है, और विनिमय दर को स्थिर करने के लिए या इसमें जो उच्चावचन है, कम ज़्यादा होने वाली स्थिति है, इसको कंट्रोल करने का काम भी राजकोषीय नीति के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और जो महत्वपूर्ण काम है राजकोषीय नीति का, वो है मुद्रा स्फीति विरोधी नीति। यानी अगर मुद्रा स्फीति ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल या उसकी जो रेंज है उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस समय राजकोषीय नीति का प्रयोग मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए भी किया जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि राजकोषीय नीति का उपयोग आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य के रूप में किस प्रकार किया जाता है। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि। विद्यार्थियों, जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इनका जो उत्पादन का मूल्य बढ़ता है तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, जिससे माना जाता है कि किसी देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो ये काम राजकोषीय नीति करती है। कैसे करती है ये चीज भी अलग अलग देशों में, राजकोषीय नीति विकासशील देशों के लिए अलग प्रकार से काम करती है, विकसित देशों के लिए अलग प्रकार से काम करती है। दोनों जगह अलग अलग महत्व है, क्योंकि विकासशील देशों में इसका महत्व विकास की दर को ऊंचा करने में प्रयोग किया जाता है, विकसित देशों में विकास की दर को बनाए रखने में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। विद्यार्थी, विकसित देश है वो विकास का जो एक स्तर है वहां तक उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए विकास दर को बढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए तो जो उनकी विकास दर है उनको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर जैसे जो विकासशील देश जिनको माना जाता है, भारत या चीन है, इनके अभी विकास दर 6-9% तक होती रहती है और इनके लिए बहुत मामूली है। लेकिन जो विकसित देश है अमेरिका के या यूरोप के, उनमें 3% या 4% विकास दर है, वो भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है और उसको उनके लिए बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेरड डोमर मॉडल में बचत की दर है, वर्तमान पूंजी उत्पत्ति अनुपात है, इसके आधार पर वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। देश में किस पर निर्भर करता है, अगर आपकी जो सरकारी कर कम है तो बचत करेंगे लोग, बचत करेंगे तो निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ जाएगा, इसका विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें विद्यार्थियों आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में काम आती है। बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं जिनको ग्रोथ अर्थशास्त्री कहते हैं, डब्ल्यू ए लुईस है, रेगनर निरीक्ष है, पी ए ब्रान है, बी टी बाबर है, इन्होंने भी बताया कि आर्थिक वृद्धि के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, सरकार करों में रियायतें व छूट देकर निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ा सकती है, सब्सिडी दे सकती है। भारत सरकार ने, आपको पता है, कृषि का क्षेत्र में बहुत सारे कर्ज की सुविधा देती है, किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत किसानों को ऋण देती है ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, खेती को अच्छी तरीके से कर सके, ब्याज दर कम रखते हैं ताकि निजी निवेश वो बढ़ सके। इसी प्रकार आधारभूत क्षेत्र या बुनियादी क्षेत्र है जिसमें बिजली आता है, ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि में भी सरकार अपनी तरफ से निवेश करके बहुत ज़्यादा विकास करने का प्रयास करती है। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्षेत्र या पीपीपी सेक्टर, इसके माध्यम से विकास किया जाने लगा है। इसमें जो पीपीपी सेक्टर है, पीपीपी जो तरीका है, इसमें सरकार व निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा आजकल हाईवे पे जो टोल बने होते हैं, ये भी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। वित्तीय साधन जुटाने में राजकोषीय नीति का भारी योगदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने होते हैं, इसके लिए सरकार कर लगाती है, कर से उसे पार नहीं पड़ती है तो कर्जा लेती है। सरकार आंतरिक और बाह्य साधनों का उपयोग करके पर्याप्त साधन जुटाती है। अगर देश से संसाधन पर्याप्त रूप से नहीं जुट पाते तो विदेशों से या क्यों जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है, IMF है, वहाँ से अपना साधन जुटाती है ताकि समग्र विकास की गति बढ़ाई जा सके, तेज की जा सके।
सरकारी खर्च का जो प्रारूप है उसको भी विकास की तरफ उन्मुख बनाने के लिए राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय की ओर और गैर विकास व्यय से विकास व्यय की ओर, गैर योजना व्यय से योजना व्यय की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों, ये चीज बहुत जरूरी है कि सरकारी का जो खर्च है वो कौन सी जगह हो रहा है। अगर ऐसी जगह हो रहा है जहां से विकास की गति को तेजी मिल सके तो उसको सरकार बढ़ाने का प्रयास करती है। पूंजीगत व्यय, विकास व्यय और योजना व्यय, ये ऐसी चीज़ें हैं। अगर इनमें ज़्यादा व्यय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती है। लेकिन राजस्व व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं, गैर विकास व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं, गैर योजना व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं, सरकार इसका खर्च में ज़्यादा हिस्सा होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। अर्थशास्त्री इस बात से सहमत पाए जाते हैं कि देश की वृद्धि दर पर मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों का प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति में ब्याज की दर कम करके निवेश को बढ़ाने पर बल दिया जाता है ताकि विकास को प्रोत्साहित किया जा सके, लेकिन साथ ही करों में रियायतें कौन देता है, राजकोषीय नीति के तहत दिया जाता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार दोनों नीतियाँ, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, एक साथ प्रयोग करने पर ज़्यादा सही विकास का रास्ता प्रस्तुत करती है। इसके अलावा जो राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य और माना जाता है वह है आर्थिक समानता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। आजकल वृद्धि दर के साथ इस बात पर भी बल दिया जाता है कि किसी देश में अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है तो उसका फायदा समाज के सभी वर्गों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, गरीबों को मिले, महिलाओं को मिले, बच्चों को मिले, तभी जाकर वो विकास, समावेशी विकास माना जाएगा। विद्यार्थी, समावेशी विकास है, इसके बारे में भी आपको इसे इस ध्यान देने की जरूरत है कि समावेशी विकास किसे कहा जाता है। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके हो सकता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले। तो विकास का ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को उस विकास का लाभ मिल रहा हो, तो ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। सभी वर्गों को समान रूप से मिले, देश में धन व आय की असमानता कम हो, ऐसा विशेष रूप से समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाले देशों में देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आजकल सब पूंजीवादी देश भी इस बात को मानते हैं कि विकास का फायदा सभी लोगों को, सभी वर्गों को मिले। आर्थिक व आमदनी की असमानता को दूर करने के लिए क्या करती है सरकार, कर लगाती है। कर किन पर लगाती है, जिनकी आय ज़्यादा होती है उन पर कर ज़्यादा लगाती है, जिनकी आय कम होती है उन पर करों से छूट प्रदान करती है। दूसरा जो तरीका है सार्वजनिक व्यय, सरकार जो गरीब है, बेरोजगार वाला वर्ग है, वंचित वर्ग है, उन पर इस प्रकार से खर्च करती है ताकि वो अपना उत्थान कर सके, अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सके और अर्थव्यवस्था में एक संतुलन वाली स्थिति बनी रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, व्यक्तिगत आय कर है, निगम कर है, धन कर है, उत्तराधिकार कर है, इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता कायम हो। इसके लिए प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाई जाती है। प्रगतिशील कर प्रणाली का तात्पर्य यह है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, समर्थ है, जो सक्षम है, कर दे सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कर लगाया जाता है। जो कर देने में असमर्थ है उनको कर से छूट प्रदान की जाती है। आय की असमानता को कम करने के सार्वजनिक खर्च की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है, जैसे सरकारी निर्णयों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्कूल है आदि, पेयजल की सुविधाएँ सरकार अपनी तरफ से राशि खर्च करके जनता को उपलब्ध करवाती है ताकि सामाजिक आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। आपने देखा होगा किसानों को या जो समाज का जो गरीब वर्ग है उनको खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है सरकार। इसका तात्पर्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में समानता स्थापित हो। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, निःशुल्क जांच है, निःशुल्क दवा है, इसका प्रयास यही रहता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता कायम रहे। ये राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा एक दो और प्रमुख उद्देश्य है, तो ये अपना लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला जो क्लास होगी उसमें उन उद्देश्य के बारे में स्पष्ट करेंगे।